प्रकट हुए थे तो महात्मा बुद्ध का जन्म पत्री दिखाया था माता पिता ने साधु को, ज्योतिषी को, और ज्योतिषी ने कहा था कि ये घर गृहस्थी नहीं संभालेगा, जंगल चला जाएगा, संन्यास ले लेगा, ठीक। और बाद में उन्होंने वैसा ही किया, तो फिर उन्होंने कैसे किया, वो तो प्रारब्ध में था, ठीक, यही क्वेश्चन है ना आपका। तो वहां पहली बात तो आंसर हम ये देंगे ऐसा करके कि पहली बात तो वो भगवान थे, भगवान के लिए थोड़ा सा अलग होता है, पर भगवान भी यहाँ मनुष्य की तरह भूमिका निभा रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी भी मनुष्य की तरह भूमिका निभाए, भगवान कृष्ण भी मनुष्य की तरह भूमिका निभाए, चैतन्य महाप्रभु भी मनुष्य की तरह भूमिका निभाए, तो नियम उनके ऊपर भी वो नियम लागू इसीलिए होता है कि वो खुद चाहते हैं कि हम दुनिया को सिखाएं कि आप, आपका जो प्रारब्ध है वो आपको मिलता है, आपके ऊपर भी ऐसे ऐसे नियम लागू होते हैं, नहीं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो प्रारब्ध होता है और जो हमारे कर्म होते हैं, ये दोनों को समझना होगा, यही ना। प्रारब्ध उसे कहते हैं जो हमने पुराने कर्म किए थे, हमने पुराने बहुत कर्म किए हैं, मान लीजिए हमने 100,000 कर्म किए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कितने कर्म किए हैं, 100,000, तो 100,000 परिणाम निकलेंगे, 100,000 कर्म का परिणाम 100,000 होगा कम से कम। अब हमें ये शरीर मिला है अभी 1964 में धरती पर ब्रह्मांड के अंदर, 70 साल की, 80 साल की उम्र या 60 साल की उम्र या 100 साल की उम्र का एक शरीर मिला है। अब इस शरीर में 100,000 परिणाम हम नहीं भोग सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत समय लगेगा उसको भोगने में। तो हमारे जितने भी कर्म थे उसके जितने भी रिजल्ट होंगे वो सब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, बीज रूप में रखे रहते हैं, समझिए बात को। हमने कर्म किया उसका फल मिलेगा, पर फल के पहले वो बीज होता है, बीज रूप में रहता है, तो वो बीज रूप में सब रहता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित कर्म। कर्म है और संचित है, वो जमा है कर्म, उसमें से अब ये 60-70 साल में जीव जितना भोगेगा उतना एक मुट्ठी फल निकाल के भगवान का जो भी एजेंट होता है वो दे देता है, इस शरीर में तुम्हें इतने कर्म का फल भोगना है। बात समझ में आई? एक बोरी 10 बोरी कर्म के बीज है, लेकिन उस बीज में से फलित होने के लिए, प्रस्फुटित होने के लिए एक मुट्ठी बीज दिया गया, बस। बाकी सब कहाँ है? पड़ा हुआ है, वो बाद में मिलेगा हमको। तो अब वो जो एक मुट्ठी मिला हमको कर्म का फल, वो फलेगा हमारे जीवन में, जन्म लेंगे तब से लेके 70-80 साल के उम्र में, कोई 5 साल की उम्र में फल रूप में दिखेगा, कोई 10 वर्ष के उम्र में फलित होगा, कोई 15 वर्ष के उम्र में फलित होगा, अलग अलग टाइम पे सारे फल हमको मिलना शुरू हो जाएंगे, मिलेंगे पूरे जीवन, उसी को कहते हैं प्रारब्ध। हाँ, कुछ जैसे कि अभी हम बहुत अमीर हो गए, अभी हम बहुत गरीब हो गए, अभी हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, अभी हमारे काम का नुकसान हो गया, अभी हमारे काम में बहुत फायदा हो गया, ये सब फल हैं प्रारब्ध में जो हमारे संचित कर्म के बीज रूप में थे और भगवान ने उसको फलित होने के लिए इस जीवन में दे दिया है, तो इसको कहते हैं प्रारब्ध। जो ज्योतिषी जो आपको बताएगा वो प्रारब्ध बताएगा, मतलब ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपकी शादी किससे होगी, आपकी मृत्यु कब होगी, आपका जन्म कहाँ होगा, आपके माँ बाप के पास कितना पैसा होगा, सब कुछ निश्चित है, और इसको कहते हैं प्रारब्ध, जो निश्चित करके भगवान ने दे दिया है। अब है आपका रोल कहाँ है, कैसे है। अब आपने जन्म लिया, एक प्रारब्ध के साथ आपने जन्म लिया, लेकिन आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप नया कर्म बनाएंगे ना फिर से, पूरा जीवन 70-80 साल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, नया कर्म बनाएंगे, तो नया कर्म बनाएंगे आप, उसके लिए स्वतंत्र हैं, और पुराना प्रारब्ध भी अपने टाइम पे फलित होता रहेगा। पुराने प्रारब्ध को लेकर के चलना है आपको और नया कर्म बनाना है। अब इसमें हर जगह डिसीजन आपको लेना है कि हम इसको कैसे लें, अंडरस्टैंड। एग्जांपल,
मेरा मेरे पति के साथ बनता नहीं है, झगड़ा होता है वो मारता है पीटता है या हमारा पैसा छीन लेता है, ये हमारा प्रारब्ध है। ठीक, अब हम इस प्रारब्ध को ऐसे भी ले सकते हैं कि हम डिवोर्स ले लें, हम झगड़ा कर लें, हम उसको खत्म कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा हम ये भी ले सकते हैं कि ये हमारा प्रारब्ध है, इसको भोगने में ही फायदा है, नहीं तो फिर से अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि ये मेरा प्रारब्ध है और हमको इसको भोगना ही है, भोगने में ही फायदा है, तो हम उसको भोगेंगे भी और अच्छा कर्म करके उसके प्रभाव को कम भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने पति को प्रसाद खिला रहे हैं, आप अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने पति के साथ मधुर वचन बोल रहे हैं, आप जब ऐसे ऐसे करेंगे तो वो जो प्रारब्ध था उसका असर कम दिखाई देगा आपको और आपके नए कर्म अच्छे बनते जाएंगे। तो जब नए कर्म अच्छे बनते जाएंगे, पूरे जीवन अगर आपने अच्छे अच्छे कर्म बनाए और पुराने पूरे प्रारब्ध को सिर्फ बर्दाश्त करके समय काट लिया, तो अगले जन्म में ये अच्छे कर्म का फल भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार हम नए कर्म करने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। बात समझ में आई? नए कर्म करने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं, मगर प्रारब्ध तो आएगा ही। अभी कोई डाउट है आप लोगों को? कोई प्रश्न है? है तो पूछ लो। नाम जप से प्रारब्ध कटता है? नहीं, प्रारब्ध नहीं कटता है नाम जप से। प्रारब्ध नाम जप से नहीं कटता है, लेकिन अगर कृष्ण चाहेंगे तो कट सकता है। पर ये तो लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हम इसका प्रारब्ध काट दें। भगवान को भी तो आपको भगवत धाम ले जाना है, तो भुगतने में ही फायदा है ना। हम अगर भुगत लें, शुद्ध हो जाएं, तो ही फायदा है ना। इसीलिए प्रारब्ध नहीं कटता है, प्रारब्ध का इम्पैक्ट कम होता है। जैसे कि जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि आप 14वीं मंजिल से गिर के मरने वाले थे, तो आप 14वीं मंजिल से नहीं गिर के 3री मंजिल से गिरेंगे और सिर्फ हाथ पैर टूटेगा, इतना असर कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। प्रारब्ध फिनिश तब होगा ना जब हम नया कर्म नहीं बनाएंगे। आपने बोला ना कि मुझ पर हमें मिला है, तो हमें अगले जन्म क्योंकि बहुत सारे हैं। हाँ, यस। और मिलने के बाद ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। जो अभी अभी जो बीज रूप में है वो नष्ट होता है, उसको भगवान का नाम नष्ट कर देता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जो बीज रूप में है उसको हमारा नाम जप नष्ट कर देगा, लेकिन जो प्रारब्ध मिल गया है उसको नष्ट नहीं करता, उसको भोगना पड़ता है। लेकिन जो बोरी में रखा हुआ ना बीज, 10-20 बोरी, वो खत्म हो जाएगा नाम जप से। खत्म कब होगा? जब हमारी अकिंचन भक्ति होगी, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस होगा, तभी वो बीज खत्म होगा ना। इतनी शक्ति होनी चाहिए हमारे भक्ति में कि वो सबको खत्म करे, कर्म के फल को या बीज रूप में जो है वो उसको खत्म करे। इतनी शक्ति हमारे भक्ति में होनी चाहिए, तब वो समाप्त होगा। नाम में सारी शक्ति है, पर हम नाम जप कैसे रहे हैं? मतलब हमारे जप करने का भाव क्या है? और नए अपराध तो नहीं बना रहे हैं? अगर हम नए अपराध कर रहे हैं तो कैसे खत्म होगा? फिर वो साइकिल जो कर्म का था वो बन रहा है ना, फिर वापस बन रहा है ना। नाम जप के साथ साथ जो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाला सिलसिला है वो बंद होना चाहिए ना। जैसे नाम जप का बहुत बड़ा परिणाम होता है, बहुत पावरफुल परिणाम होता है, बहुत पॉजिटिव परिणाम होता है, वैसे ही
अपराध का बहुत भयंकर नेगेटिव परिणाम होता है। तो अपराध अगर हो गया तो फिर कैसे होगा बताइए? अपराध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा क्या कहते हैं, सावधानी पूर्वक नाम जप करो। क्या बोलते हैं? सावधानी पूर्वक नाम जप करो, 10 नाम अपराध से बचो। तो मैं आप लोगों को क्या शिक्षा देती हूँ, वैष्णव सेवा करो, साधु सेवा करो, भगवान की सेवा करो, क्योंकि ये सब सेवा इतनी शक्तिशाली है कि हमारे अपराधों को भी क्षमा कर देगी, हमारे चित्त को शुद्ध करेगी और नया अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसको नष्ट करेगी। आपसे कोई वैष्णव अगर प्रसन्न हो जाए, आपसे गुरु प्रसन्न हो जाए, तो फिर आपका तो हो गया, निकल पड़ी, फिर कुछ नहीं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कोई वैष्णव नाराज हो जाए तो फिर अटक जाइएगा। ऐसा नहीं है कि एक वैष्णव को खुश कर दिए दूसरे को नाराज कर दिया, नहीं, चींटी को भी नाराज मत करिए, एक किसी जीवात्मा को भी कष्ट मत दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दौड़ के बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत दौड़ो, जोर से दौड़ो, एकदम एस्केलेटर पर दौड़ो, पर किसी को धक्का मत मारो। अगर धक्का मार मार के आगे दौड़ रहे हैं तो फिर वो परिणाम बुरा निकलेगा। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे से आगे बढ़ो, तेजी से आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, पर आपके चलते किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अगर किसी का दिल दुख गया मेरे से तो वो भगवान नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो हमको ही भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम हमको तुरंत तुरंत भुगतना पड़ता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, तुरंत दिखाई देगा आपको। आपने किसी को हर्ट किया ना, 5 मिनट में ही आप खुद ही दुखी हो जाएंगे, है ना, होता है कि नहीं? हम जब हर्ट करते हैं किसी को, तुरंत हमको तुरंत रिजल्ट मिलता है कि हमारा बेचैनी महसूस होने लगती है, अरे क्या कर दिया, गलत कर दिया, कुछ कर दिया, फट से माफी मांगो, फट से माफी मांगो, 5 मिनट भी लेट मत करो, तुरंत माफी मांगो, क्योंकि जब लेट होता है तो वो उधर उधर भी बहुत कुछ हो जाता है और फिर माफी भी नहीं मिलती है। इसीलिए तुरंत बैलेंस करो, अगर गलती तो होगी ना, हम इंसान है तो गलती तो होगी, मगर बैलेंस करो तुरंत और गलती नहीं करो, अपराध से बचिए, तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे कम जाएंगे चाहे ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? आपने बताया कि 500 साल पहले हम लोग थे। हाँ अवश्य, लेकिन ये बताया गया कि जब भक्ति जो हमारा पूरा नहीं होता है तो मनुष्य के जन्म में फिर बड़े घर में जन्म होगा। हाँ, तो सही सही, लेकिन जो भक्त नहीं था वो सारा जीव थोड़ी सब भक्त। आपके बारे में मैंने बात किया ना, कि मैंने दूसरे जीव के बारे में बात किया, आप सब जो यहाँ भक्त बन करके बैठे हुए हैं आप सब मनुष्य ही थे, 500 साल पहले जो कीड़े मकोड़े थे वो अभी भक्त नहीं बन के बैठे रहेंगे मेरे सामने। जो आज रूपात के शरण में है, गुरु के शरण में है, चैतन्य महाप्रभु के शरण में है, वो बहुत सारे जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण यहाँ बैठे हैं। वो जानवर भी नहीं थे, कीड़े भी नहीं थे। थे ना वो सब, थे जो नहीं थे। लेकिन मतलब 5 योनि में से लगातार वो मनुष्य के जन्म हो रहा है क्या मनुष्य शरीर में? हाँ हो रहा है, 5 क्या, और बहुत सारे जन्मों से आप मनुष्य हैं। देखिए जो आदमी अभी भक्त हैं, जो अभी भक्त की चेतना में हैं, चाहे कोई चीज कुछ भी कर रहे हैं, शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, विष्णु भगवान की, कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, जो भक्ति कर रहे हैं वो अचानक भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो जानवर के शरीर से मनुष्य बनेगा वो भक्ति करता ही नहीं है, उसके चेतना में भक्ति रहती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं भक्ति उसको, तो बस हाँ क्या? मैं ये कह रही हूँ कि
क्या आत्मा वो क्या होता है? उसको एक ही चीज पता है, खाना सोना बस, भोग विलास। वो सूक्ष्म तत्व को नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। जो जानवर के शरीर से अभी मनुष्य पहली बार आया है मनुष्य में, उसको तो बाप रे भगवत गीता असंभव। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवत् च एनम् अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेदन चैव कश्चितः। आश्चर्य से सुनते हैं, आश्चर्य से देखते हैं जो लोग, और बहुत लोग तो सब कुछ समझाने के बाद भी कुछ भी नहीं समझते हैं। ये है चेतना साधारण व्यक्ति की। वो उनकी कहानी क्या थी ये कृष्ण को पता है कि प्रभुपाद के प्रचार के लिए वो वैसा थे, बने हुए थे कि वास्तव में थे, ये तो हम नहीं डिस्कस कर सकते। कश्चित यतति सिद्ध यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। वो है उसके बारे में जो भगवान को समझ सकता है, वो बहुत कम होते हैं वैसे लोग। हजारों में कोई एक भगवान के लिए प्रयास करता है, और प्रयास करने वालों में से कोई एक भगवान को ठीक से समझ पाता है। आप कहाँ बैठते हैं? आप प्रयास तो कर रहे हैं। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य प्रयास करता है। कश्चित् यतति सिद्धये, और फिर यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। प्रयास करने वाले हजारों में से कोई एक समझ पाता है। तो प्रयास करने वाले की कैटेगरी में तो आप हैं। अब समझ सक रहे हैं कि नहीं समझ सक रहे हैं, वो आप डिसाइड करिए। तत्वतः भगवान कृष्ण को तत्वतः समझने वाला उस हजारों मतलब लाखों में कोई एक होता है। सारे प्रयास करने वाले भगवान को नहीं समझ जाते हैं। कम से कम प्रयास करने वालों के लाइन में तो हम हैं। और भगवान को समझने की जहां तक बात है, भगवान को आप तब समझेंगे जब भगवान चाहेंगे कि आप उनको समझिए। अपने आप को भगवान जितने परसेंट में आपके सामने प्रकट करेंगे, उतना परसेंट आप समझिएगा भगवान को। अगर भगवान चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमें समझे कि मैं भगवान नहीं हूं, तो आप यही समझिएगा कि कृष्ण भगवान नहीं है। वो भी कृष्ण ही करते हैं। अपनी माया शक्ति से भगवान अपने आप को ढक लेते हैं और बोलते हैं ये आदमी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं भगवान हूं, इसको पता ही नहीं चलना चाहिए। इतना आसानी से कैसे पता चल जाएगा कि ये कृष्ण परम भगवान है? और जब भगवान चाहते चलो बेटा बहुत खुश हूं तुमसे, चलो 2% समझ जाओ, 2% समझ जाइए भगवान समझेंगे, 50% समझ जाओ तो 50% समझ जाइएगा। वो भगवान जितना दिखाएंगे अपने आप को उतना आप समझिएगा। कृष्ण को देखने की शक्ति है क्या हमारे में? तो ये है, हम ट्राई करेंगे तो नहीं समझेंगे, हम भगवान को देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझेंगे, ना देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। भगवान जब हमको दिखाएंगे तो हम उनको देख भी पाएंगे समझ भी पाएंगे। कब भगवान हमें दिखाएंगे अपने आप को, कब प्रकाशित करेंगे हमारे सामने? जब वो आपसे खुश होंगे, जब वो आपसे खुश होंगे। आपके कोई कंपनी में आप काम करते हैं, वहां 100 एम्प्लॉई है। अब कंपनी का जो मालिक है उसमें से जिसको समझता है कि ये पूर्ण रूप से ये व्यक्ति विश्वास के लायक है, उसको वो अपना अपने फैक्ट्री की चाबी, अपने लॉकर का नंबर या कोई चीज देता है ना। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि चूंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, तुम नम्र हो, तुम सच्चे हो, इसलिए तुमको मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। कह रहे हैं कि नहीं? मैया आसक्त मना पार्था योजन युंजन
मदाश्रय, सातवें अध्याय का पहला नंबर श्लोक जो है उसमें भगवान कह रहे हैं कि तो भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतत उत्तम, तुम मेरे भक्त भी हो सखा भी हो इसलिए मैं तुम्हें रहस्यमयी बात बता रहा हूं। तो भगवान अपने आप को जब दिखाएंगे तो आप देख लीजिएगा, भगवान जब समझाएंगे तो आप समझ लीजिएगा। तो हमें करना क्या है, नाम जपो, सेवा करो। कल मुझे एक प्रश्न पूछा एक भक्त ने, हमें अपना स्वरूप कब समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। जिनको समझ में आता है स्वरूप वो सब बेवकूफ है, नथुनी पहन करके और क्या कहते हैं लहंगा पहन करके नाचते हैं कि हम गोपी भाव में आ गए, हमको पता है हम ललिता सखी के प्रिय सेविका है, वो सब नाटक है। प्रभुपाद एकदम स्ट्रिक्ट है इसके मामले में, आपको कोई स्वरूप जानने की जरूरत नहीं है, वो भगवान और राधा रानी और गुरु महाराज देख लेंगे आपको आप कौन स्वरूप के थे। आप सिर्फ साधना भक्ति करो, नाम जप करो, कथा सुनो, सेवा करो। कहाँ जाना है कौन बोल रहा है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं क्या कि मुझे स्वरूप समझ में आ गया, रूप गोस्वामी कह रहे हैं मुझे स्वरूप समझ में आ गया, कोई कह रहा है, नहीं कह रहा है ना। भक्तगण कह रहे हैं कि ये रूप मंजरी थे, वो नहीं कह रहे हैं कि मैं रूप मंजरी हूं। उसी तरह हमें नहीं समझना है कि हम कौन है, वो भगवान समझेंगे कि हम कौन है। कहाँ जाना है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, किस स्थान में जाएंगे, क्या होगा, 100% एवरीथिंग यू लीव अप टू कृष्णा एंड गुरु। प्रयास ही नहीं करना। एक दिन मेरे भाई ने कहा हमारा प्रारब्ध बहुत खराब है, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग सब भक्त हैं, वो भी राधा महाराज जी का शिष्य है, तो हम सब ऐसे हमारा प्रारब्ध खराब है। हम लोग वीडियो कॉल पे थे सब भाई बहन, मैंने बोला क्या खराब है, कैसे खराब है, प्रभुपाद के शरण में हो, इतना सुंदर सुंदर शास्त्र और भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, क्या खराब है कैसे खराब है। तो बोल रहा है तुम गुणों से परे हो गई, मुझे तुम छोटा है, तुम गुणों से परे हो गई। हम गुणों से परे नहीं होंगे जब तक इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन हमें कुछ होने की जरूरत नहीं है, ये तो कृष्ण और गुरु को समझना है कि हमें कहाँ भेजेंगे। हम गुण में हैं, गुण में नहीं है, हमारा रूप क्या है, हमारा रंग कहाँ है, हमको जाना कहाँ, ये 100% सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ एक, आप एक शिष्य हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करना, बस इतना ही बात याद रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। पूरी परंपरा हमारे पीछे है, वो सोचेगी कि हमको कहाँ जाना है, एक व्यक्ति थोड़ी है हमारे पीछे, नरोत्तम दास ठाकुर नहीं है क्या, भक्ति विनोद ठाकुर नहीं है क्या, प्रभुपाद नहीं है क्या, बताओ, सब सब है ना। जब हम शरीर त्यागेंगे तो गोलोक धाम के दरवाजे पर प्रभुपाद खड़े हैं, मध्वाचार्य खड़े हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज खड़े हैं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज खड़े हैं। अगर आपको जाना है तो एक बहुत सुंदर बात बताऊं, अभी सुना है कोरोना टाइम में एक प्रवचनकर्ता की मृत्यु हुई, ठीक है, हमारे संप्रदाय के नहीं थे, इस्कॉन के नहीं थे, पर प्रवचनकर्ता थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो कोरोना हुआ था उनको, अचानक उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी आया है एक, तो बोलते हैं सोचते हैं ये ब्रह्मचारी कहां से आ गया हॉस्पिटल के अंदर। फिर वो देखते हैं कि मैं शरीर में नहीं हूं, शरीर तो मेरा बेड पे है, मैं तो बाहर हूं। फिर वो ब्रह्मचारी कहता प्रभु जी चलें, अब चलें, चलिए। तो प्रभु जी मैं कैसे जाऊंगा, चलेंगे क्या गोलोक धाम, ऐसा ब्रह्मचारी बोल रहा है, चलिए लेने आया हूं। तो बोलते हैं प्रभु जी अब मैं कैसे जाऊंगा, मैंने तो कुछ खास सेवा की नहीं है, मैं तो बेकार का भक्त हूं, अभी तक तो मैं कुछ खास सेवा नहीं किया हूं, मैं तो गोलोक धाम जाने के लायक नहीं हूं, और मुझे करने का मन था,
तो ब्रह्मचारी प्रभु बोलते हैं ठीक है ठीक है, तो फिर क्या करें, अगर आप हमको अभी ले जाएंगे तो हमको कहाँ देंगे, कौन से शरीर में देंगे बताइए, गोलोक धाम तो मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे पता है मैं उसके लायक नहीं हूँ, कौन से शरीर में देंगे आप? तो बोलते हैं कि आपको क्या मन है, तो हमको तो लग रहा है कि अभी और सेवा करना पड़ेगा तब हम जाएंगे भगवत धाम। तो बोलते हैं ब्रह्मचारी प्रभु ठीक है, तो आपको शरीर बदलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप ब्राह्मण शरीर में है, इसी में और सेवा को कंटिन्यू करिए, फिर हम आगे बाद में आएंगे। और वे वापस वो जिंदा हो गए और अभी हैं जिंदा वो। ऐसे होगा, आप भगवान की सेवा करिए ऐसे ही होगा, वो खुद अपने मुंह से बताएं जिनके साथ ये घटना घटी है, सेकेंड चांस मिल गया उनको। अच्छा सो नाइस। हाँ ऐसा बहुत हुआ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का एक शिष्य था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का एक शिष्य था, वो माला करना भी छोड़ दिया, नियम करना भी छोड़ दिया और ऐसे जीवन बिताने लग गया, सिंपल जीवन बिताने लग गया, सब कुछ खाना पीना माला नहीं करना, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब उनको ले जाया गया तो वहां पे उनसे पूछा गया कि तुमने कुछ कभी अच्छा काम किया है क्या, यमराज जी पूछे, तो बोला कि मेरे गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो यमराज जी बोले बुला के लाओ उनको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आए इसके सामने, जब आए ये आदमी के सामने इतना जोर से उसको डांटा, जा वापस, भक्ति करने बोला था तुमने भक्ति नहीं किया, और फिर बाद में वो जिंदा हो गया और फिर भक्ति किया वो। ऐसा होता है, सच बात है, बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत लेट हो रहा है, सब परेशान हो रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर मनंदे, हरे हरि बोल।